हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 कक्षा 8 का धातु और अधातु। हमने पिछले भाग में पढ़ा अधातु क्या है, अधातु क्या है, इनके भौतिक गुण पढ़े, अघात वर्धनता क्या है, तन्यता क्या है, धमनिकता क्या है, सुचालक कुछ चालक है, ये सब के बारे में पढ़ा, पदार्थ क्या है इसके बारे में पढ़ा। लेकिन अब फिजिकल गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया। अब आती है धातु और धातु के जो रासायनिक गुण है, वो रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण, पहला ही रासायनिक गुण है वो है हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पहला रासायनिक गुण है। अब जैसे ही धातु की क्या करवाते हैं, किससे अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया कराते हैं धातु की, ऑक्सीजन से, तो बनता है धातु ऑक्साइड। इसकी क्रिया जल से करवाई जाती है तो बनता है धातु हाइड्रोक्साइड। अब इनकी जो नेचर ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है, किस प्रकृति का है, इसकी भी प्रकृति, तो विज्ञान में हमारे दो पत्थर होते हैं, लिट्सम पत्थर, लिट्सम मस पत्थर, एक नीला लिट्सम पत्थर, दूसरा पहले क्या करते हैं, मान लीजिए नीला लिट्सम पत्थर, नीला लिट्सम पत्थर, नीला लिट्सम पत्थर इसके पास धातु ऑक्साइड के पास लाते हैं, तो ये इसमें कोई, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता। लेकिन जैसे ही इसके पास लाल लाया जाता है तो ये क्या कर देता है, नीला। इसी प्रकार इसी के पास नीला लाया जाता है तो इसमें, इसके रंग में कोई चेंज नहीं करता, नो चेंज। लाल आते हैं इसके पास लिट्सम पत्थर तो उसको नीला कर देता है। ये अब विज्ञान में है अनिल नाम, अनिल ऐसे अमल, नी से नीला, ल से लाल, अमल नीले को किसमें चेंज कर देता है, लाल, और अमल का उल्टा क्षार, क्षार क्या करेगा, लाल से नीला, लाल से, तो लाल से नीला कर रहा है तो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्षारी, क्षारी प्रकृति, कैसी प्रकृति, क्षारी, और इसकी प्रकृति भी क्षारी होनी चाहिए, कैसी, था धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है जिसकी प्रकृति क्षारी होती है, क्योंकि यह लाल लिट्सम पत्थर को नीला कर देता है जबकि नीले लिट्सम पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं गिरता। अब है इसके उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित कि धातु ऑक्सीजन से किस प्रकार क्रिया। जो लोहे के गेट होते हैं हमारे, लोहे पर क्या होता है, जो जंग लगता है, जंग लगना लोहे पर, जंगला, वो भी क्या है, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही है। जंग लगना क्या है, धातु लोहे की ऑक्सीजन से क्रिया है। जंग क्या है, एक प्रकार का धातु ऑक्साइड है, जंग धातु ऑक्साइड है, किसका, लोहे का, यानी Fe2O3 Fe2O3 ये क्या है, जंग का फॉर्मूला है, ये एक ऑक्साइड है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है, एक प्रकार की धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीकरण कह सकते। अब ये हो गई, किस प्रकार इसको अभिक्रिया को लिखेंगे, अफी ये लोहा हुआ हमारा, फी आयरन, ऑक्सीजन ये अभिक्रिया की Fe2O, ये ऑक्साइड बन गया हमारा, ये रिएक्शन हमारी हो गई। अब इसको संतुलित करना है
तो यहाँ पर हमने तीन लगा दी, यहाँ पर दो लगा दी, ऑक्सीजन छह हो गए, छह ऑक्सीजन हो गए। यहाँ कितने हैं, अभी दो दुणी चार, चार है तो चार लगा दी। ये एक संतुलित है, ये एक धातु ऑक्साइड आयरन फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड हो गया। क्या है फेरिक ऑक्साइड, ये हमारी होगी। अब दूसरी बात है, जो मैग्नीशियम का रबड़ होता है, मैग्नीशियम की रबड़ होता है, रिबन है, उसका रिबन का क्या करते हैं हम, दहन करते हैं, उसको वायु की उपस्थिति में उसका क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रिबन का क्या करते हैं, दहन। दहन करने का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ उसकी विक्रिया करते, तो उससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाई जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और उस विलयन के पास जब हम लाल लेडसम पत्थर लाते हैं तो वो नीला हो जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो विलयन क्षारीय है, अम्लीय नहीं। तो अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया, मैग्नीशियम रिबन का अध्ययन अब करते हैं हम। दहन हम ये हमारा मैग्नीशियम रिबन, इसकी करा दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो मन जाएगा MgO। ये अब यहाँ दो ऑक्सीजन हो जाएंगे, दो मैग्नीशियम है यहाँ दो, तो ये संतुलित हो गई। ये क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया करवाई जाती है जल के साथ, तो बन जाएगा MgOH। हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसकी नेचर कैसी होगी, क्षारीय, क्षार है। इसका उपयोग किया जाता है अम्लीयता दूर करने में, एंटिक एसिटिक है। ये हमारी अभिक्रिया हो गई। अब एक प्रश्न उठता है, कॉपर होता है उस पर क्या, उसे क्या, उस पर क्या जंग लग सकता है, ये एक बच्चा क्वेश्चन करता है हमसे, क्या करता है कि क्या कॉपर में भी जंग लग सकता है। और हमने देखा कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनकी सतह पर हरे रंग का पदार्थ जमा होता है, जब कॉपर के बर्तन को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उस पर हरे रंग का पदार्थ जम जाता है। जब कॉपर को क्या है, जो कॉपर है, जो हमारा कॉपर है, उसको नम वायु, नम वायु का मतलब है उसमें जल भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होगी और CO2, ये क्या है नम वायु। जब कॉपर के बर्तन को नम वायु में रखा जाता है तो कॉपर नम वायु के साथ विक्रिया कर लेता है, जिससे कॉपर पर एक हरे रंग का पदार्थ बनता है, हरे रंग का पदार्थ बनता है, हरे रंग का पदार्थ बनता है। जो हरे रंग का पदार्थ होता है वो और कोई नहीं होता, कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा कॉपर कार्बोनेट है, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट क्या है, वो कोई और नहीं है, ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। का क्या होता है, ये दोनों का मिश्रण है। अब कॉपर ये किस प्रकार बनता है ये देखते हैं, विक्रिया द्वारा। अब जैसे ये कॉपर है हमारा, इसकी क्रिया जल हो गया, नम वायु से करवाई जाती है, ऑक्सीजन भी होगा CO2। इसकी क्रिया जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड से करवाती OH होल ट्वाइस CO। कॉपर
हाइड्रोक्साइड, कॉपर, कार्बन है, ये हमारा हो गया। अब ये जो चीज है हमारी वो क्या है, नम वायु। नम वायु हमारी, और अब इसको संतुलित करते हैं तो इस साइड कितने कॉपर है, दो, तो दो कॉपर लगा दिए। हाइड्रोजन कितनी है, दो है, इस साइड भी दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दो, दो ये, तीन ये, पांच है यहाँ, एक दो तीन चार पांच। कार्बन एक है, एक अनसंतुलित अभिक्रिया। जो हरा पदार्थ है भी, ये दोनों मिलकर हरा पदार्थ बनती है, अर्थात वह हरा पदार्थ कोई नहीं है, वो क्या है, एक जंग है। ऐसे चांदी का काला होना भी ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया। अब बात आती है हमने कि धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि यह नीले लेटसम पत्र को लाल नहीं करते, बल्कि लाल लेटसम पत्र को नीला कर देते हैं, इसलिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अब बात आती है अधातु की, अधातु, अधातु की क्रिया जैसे ही हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, अधातु की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो बनता है अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसके पास लाते हैं हम दो पत्थर, नीला निर्सम पत्थर और एक लाल, लाल लेटसम पत्थर लाते हैं तो उसमें क्या करता है, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करता, रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता। और नीले लेटसम पत्थर को किस रंग में बदल देता, लाल लेटसम पत्थर में बदलता। तो अनिल नाम से पता है हमें कि अमल नीले को लाल करता है, और ये धातु ऑक्साइड भी नीले को लाल करता है, अर्थात ये जो अधातु ऑक्साइड वो क्या है, अम्लीय नेचर का है। किस नेचर का, अम्लीय नेचर का। ऐसे अमल, ऐसे धातु, अधातु, ऐसे अधातु, ऐसे ही अम्लीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय है। अधातु ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो किस प्रकृति के होते हैं, हमारी सारी प्रकृति अम्लीय प्रकृति के, सॉरी। अब बात आती इनका अवधान देखते हैं, क्षार, सल्फर एक क्षार है, अधातु, सॉरी, सल्फर अधातु है, इसकी क्रिया करवाई जाती है ऑक्सीजन से तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब इस गैस को जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो सल्फरिक अम्ल बनता है, और सल्फरिक अम्ल नीले लेटसम पत्र को लाल कर देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब सल्फर है जो अधातु है, क्या है, अधातु, सल्फर जो हमारा वो है अधातु, अधातु है, इसकी क्रिया करवाई जाती है हमारी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जैसे ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनता है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये हमारी है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, अब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया करवाई जाती है जल से तो बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है जब जल की मात्रा अधिक हो, और जब जल की मात्रा क्या हो, हमारे पास कम हो, जल की मात्रा कम हो तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में चार आ जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तब सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, सल्फ्यूरस
क्या बनेगा अम्ल? सल्फ्यूरस अम्ल। और जब ऑक्सीजन अधिक होगा SO2 तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अन्यथा सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, अधिक ऑक्सीजन होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। अब इसको नीला लिप्सम पत्र लाते हैं इसके पास तो ये कर देता लाल, तो इसका मतलब है ये अम्लीय है। तो ये क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय मिश्र का। इस प्रकार हमने इस वीडियो में पढ़ा धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो सारी नेचर के होते हैं। ये लाल लिप्सम पत्र को नीला कर देते हैं, लोहे पर जंग लगना, कॉपर का हरा होना वायु में रखने पर, मैग्नीशियम रिबन का दहन होना, ये सब ऑक्साइड बनना है, धातु ऑक्साइड बनना। यह धातु भी ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते, लेकिन ये नीले लिप्सम पत्र को लाल कर देते हैं। यह धातु ऐसे है, धातु ऐसे अम्ल, यह धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये सब चीज है हमने इस भाग में पढ़ा है धातु ऑक्साइड के, धातु और धातु ऑक्साइड की, धातु और धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और वो ऑक्साइड बनाते हैं, उनकी नेचर का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जल के साथ हाइड्रोजन, जल के साथ धातु और धातु की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे।